27 अप्रैल 1997 के दिन इंडोनेशिया के एक गांव में मौजूद एक किसान सुबह सुबह अपने जानवरों को लेकर अपने खेत की तरफ निकला। असल में उसने अपने खेत में गन्ने की फसल बो रखी थी और जैसे ही वो अपने खेत में अंदर जाता जा रहा था तभी उसका पैर वहां एक नर्म मिट्टी में पड़ गया और जैसे ही उसने उस नर्म मिट्टी की तरफ देखा तो वहां एक मिट्टी का छोटा सा पहाड़ बना हुआ था। उसको अजीब लगा ये चीज देखकर कि यहां मिट्टी का पहाड़ कैसे आ गया, उसने तो यहां नीचे अपनी गन्ने की फसल कर रखी है। इस पहाड़ को देखते ही उसने थोड़ी सी मिट्टी हटाई और जो उसको दिखा उसको देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गया। वो सीधा वहां से भागा और अपने गांव के मुखिया को बुलाकर लेकर आया। जी हां, इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वो आज तक की सबसे डिस्टर्बिंग कहानियों में से एक है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये जो भी आपने इंट्रो में सुना था वो घटना थी 27 अप्रैल 1997 के दिन की, और इसको समझने के लिए हमें 3 दिन पहले जाना पड़ेगा, यानी कि दिन था 24 अप्रैल 1997 का और जगह थी इंडोनेशिया का एक छोटा सा गांव, और इसी गांव में रहा करती थी 21 साल की कमैला देवी। और 24 अप्रैल के दिन रात के टाइम पर कमैला देवी अपने घर से बाहर निकली। उसने घर पर किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रही है, वो छुपते छुपाते हुए अपने घर से बाहर निकली थी। बाहर निकलकर उसने एक रिक्शा को हाथ दिया, वो रिक्शा में जाकर बैठ गई और रिक्शा वाले को चलने के लिए कहा। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि उसने रिक्शा वाले को यही नहीं बताया कि आखिर उसको चलकर जाना कहां है। उसने जस्ट कहा कि मैं आपको रास्ता बताती रहूंगी और आप उस डायरेक्शन में अपने रिक्शा चलाते रहिए। थोड़ी दूर रास्ता बताने के बाद कमैला देवी चुप हो गई। अब उसको शायद हो सकता है वहां से उतरना हो और रिक्शा वाले ने भी अब अपनी रिक्शा रोक दी थी, लेकिन कमैला देवी अभी भी रिक्शा में ही बैठी हुई थी, वो वहां से नहीं उतरी। तो रिक्शा वाले ने पलटकर पूछा कि मैडम आपको जाना कहाँ है, आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ कमैला देवी ने रिक्शा वाले से कहा कि आप मुझे दतुक के घर छोड़ दीजिए। असल में यहाँ दतुक वर्ड का मतलब होता है कोई मुखिया टाइप या फिर जिसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा धाक हो, वो लीडर टाइप कुछ हो सकता है, और इंडोनेशिया या फिर मलेशिया जैसे देशों में किसी मुखिया या फिर लीडर को दतुक कहा जाता है। तो यहाँ कमैला देवी ने रिक्शा वाले से कहा कि आप मुझे गांव के दतुक के घर छोड़ दीजिए। अब ये चीज सुनते ही रिक्शा वाला बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि इतनी रात के टाइम पर ये अकेली लड़की दतुक के घर क्यों जा रही है, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या काम हो सकता है कि वो इतनी रात को उसको यहाँ जाना पड़ रहा है। असल में रिक्शा वाला इस कमैला देवी को जानता भी था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ही गाँव था, बहुत थोड़े से लोग यहाँ रहा करते थे और आपस में सभी एक दूसरे को जानते थे। अब जैसे ही कमैला देवी के कहने पर रिक्शा वाले ने रिक्शा अपनी आगे चलाई, वो दतुक के घर पर जाकर पहुंचा और कमैला देवी वहां से नीचे उतर गई। लेकिन यहां उस रिक्शा वाले को भी नहीं पता था कि ये कमैला देवी को वो अंतिम बार जिंदा देख रहा है। इसके बाद यहां कमैला देवी ही इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। अब क्योंकि यहां पर कमैला देवी उस दतुक के घर गई थी, तो हमें दतुक के बारे में भी जानना पड़ेगा कि असल में इस गांव का दतुक था कौन। तो असल में इस गांव के दतुक का नाम था अहमद सुराज जी। ये अहमद सुराज जी कुछ और नहीं बल्कि वहां का हम तांत्रिक बाबा भी कह सकते हैं। जैसे आपने यहां पर बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान 1 घंटे या फिर 2 घंटे में करने का जो दावा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही तांत्रिक बाबा इंडोनेशिया के उस गांव में भी बैठा हुआ था। और सभी लोग, कमाल की बात ये थी कि बहुत ज़्यादा इज्जत भी कर रहे थे उसकी, इस तांत्रिक के कहने पर वो कुछ भी करने को तैयार थे। अब ये लड़की यहाँ इस दतुक के घर गई थी तो उसके साथ आखिर क्या हुआ। असल में यहाँ ये दतुक यानी कि अहमद सुराज जी अपने बाप के ही नक्शे कदमों पर चल रहा था। इसका बाप भी यहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ का तांत्रिक बाबा हुआ करता था और लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। और जब ये इज्जत उसके बाप को मिलती थी तो यहाँ अहमद को भी बहुत अच्छा लगता था कि मेरे बाप को देखो कितने लोग जानते हैं, सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी उसका कहना मानते हैं। असल में यहाँ इस गांव के लोगों के मन में ये बात फैल चुकी थी कि ये जो तांत्रिक होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास हर तरीके की समस्या का समाधान है और ये किसी की भी किस्मत को पलट सकते हैं। छोटी उम्र में ही यहाँ अहमद ने अपने पिता के साथ रहते हुए उनका सारा काम सीख लिया था, लेकिन इसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि वो ही अपने बाप के काम पर चले, वही वो सब करे जो उसका बाप आज तक करता आया था। इससे ही परेशान होकर यहां अहमद ने उठाई गिरे काम करने शुरू कर दिए। उठाई गिरे काम इन द सेंस कि जैसे कि छोटी मोटी चोरी चकारी या फिर किसी के साथ हाथापाई कर देना, किसी के साथ नशे पते कर लेना, फूंक लेना माल वगैरह जाकर कहीं भी। और इसी चक्कर में आकर यहां सिर्फ 15 साल की उम्र में अहमद सुराज जी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस वालों ने उसे झपा अंदर ले जाकर बंद कर दिया और वापस उसकी कुछ टाइम बाद उसके बाप ने जमानत करवा ली और बाहर वो वापस आ चुका था। लेकिन जब वो बाहर आया तब उसका माइंड बदल चुका था, उसको समझ
समझ आ चुका था कि ये जो काम वो अभी तक करता रहा था, यानी कि ये फालतू के काम, माल वगैरह फूकना, इससे तो उसका घर नहीं चलेगा, इससे उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। उसको वही काम करना पड़ेगा जो आज तक उसका बाप करता आया था, यानी कि तांत्रिक वांत्रिक वाला काम करना पड़ेगा। और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए वो अपने बाप से सारा काम सीखने लग गया। अब धीरे धीरे यहाँ अहमद अपने पिता के साथ रहते हुए उनका काम तो सीख रहा था, उसके कस्टमर भी यहाँ बनते जा रहे थे। जो कस्टमर उसके पिता के हुआ करते थे वो अहमद के पास आकर अपनी दिक्कतें बताने लगे, और धीरे धीरे अहमद की खुद इज्जत, जो एक टाइम पर वो खुद डुबा चुका था इस गांव में रहते हुए, अब उसने वो इज्जत वापस बना ली थी। लोग उसकी बातें मानने लगे थे, और यहां तक कि लोगों को उसके ऊपर इस कदर विश्वास था कि लोग उसको ये तक मानते थे कि अहमद अगर चाहे तो वो बादलों को भी फटवा सकता है, अहमद इस पूरी दुनिया को घुमा सकता है, उल्टा चक्कर चला सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी जिंदा कर सकता है। ये सब बातें अगर किसी के मन में बैठ जाए तो वो ऑब्वियसली उसे बहुत ज्यादा डरने लग जाएगा। यहाँ गांव के लोग भी अहमद और उसके पिता से बहुत ज्यादा डरने लगे, सभी उसको अपना मुखिया तो मान ही रहे थे, सभी उसके कहने पर चलते। असल में यहाँ जो इनके पास आया करते थे अपने परेशानियां लेकर, वो सभी वही परेशानियां थी जो आज तक आप हमारे इंडिया में जो इस तरह के बाबा लोग ऐड देते हैं, वैसी वैसी परेशानियां ही उनके पास लेकर पहुंच रहे थे, जैसे कि सौतन से छुटकारा पाना, काम ना बनना, विवाह शादी में देरी वगैरह, वही सारे काम लेकर यहाँ इस तांत्रिक के पास वो लोग पहुंच रहे थे। लेकिन यहाँ एक दिन दिक्कत ये आई कि अहमद का पिता वो निकल लिया, यानी कि वो टपक चुका था, वो जा चुका था। अब यहाँ पूरा काम का जो भार था वो सारा का सारा अहमद सुराज जी के ऊपर आ गया। 16 साल की उम्र में ही उसने यहाँ अपने पिता को खो दिया था, लेकिन अब उसका जो सारा भार था वो उसने संभाल लिया। अब वो अकेला ही सारे के सारे गाँव को नियंत्रित कर रहा था, नियंत्रित इन द सेंस कि वो लोग उसके पास अपनी दिक्कतें लेकर आते और वो उनको अजीब अजीब टोने टोट के बताता कि तुम ये करो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम वो करो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। ये सब करते हुए लोग उसके ऊपर विश्वास भी कर रहे थे और कोई उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकता था कि यहाँ अहमद सुराज जी कभी कुछ गलत करेगा। समय आ चुका था 1986 का, जब यहाँ अहमद के पिता को भी मरे हुए काफी टाइम बीत चुका था। लेकिन एक रात यहाँ अहमद को सपना आया और उस सपने में अहमद के पिता उसको कुछ कह रहे थे, और जैसे ही वो सुबह उठा उसको याद आया कि ये जो सपना उसने देखा है, उसके सपने में साक्षात उसके पिता आए हैं और उन्होंने उसके लिए एक काम सौंपा है। जी हाँ, उसके सपने में उसके बाप ने आकर उसे कहा था कि अगर तुझे अमर होना है, अगर तुझे इस काले जादू से ही अमर होना है, तुझे कभी नहीं मरना, तो तुझे 70 लड़कियों का या फिर महिलाओं का थूक पीना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70 लड़कियों का या फिर महिलाओं का थूक अब उसे अरेंज करना था अपने बाप के कहने पर। अब ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि वो कभी ना मरे, वो अमर हो जाए, कोई बीमारी उसके पास ना आए। अब ऐसा ही कुछ अहमद भी चाहने लगा था। अब ये काम को पूरा करने के लिए उसको जरूरत थी गाँव की ही 70 महिलाओं की। अब जाकर वो डायरेक्ट किसी से मांगेगा कि मैडम आपका थूक मुझे चाहिए है, तो ऑब्वियसली यहाँ उसको कोई थूक तो ऐसे देगा नहीं, चाहे कितना ही बड़ा मुखिया क्यों ना हो। पूछेंगे लोग उसे कि आप थूक क्यों ऐसे मांग रहे हो और आपको क्या काम है, एक से मांग लेगा, दो से मांग लेगा, अगर 70 से मांगेगा तो हर कोई उसके ऊपर विश्वास जरूर करेगा। यहाँ उसने एक अलग ही रास्ता अपनाया इन 70 महिलाओं के थूक का जुगाड़ करने के लिए, और ये जो रास्ता था वो यकीन मानिए इतना भयंकर था कि उसकी डिटेल्स जानकर आप उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जिस रात उसको सपना आया था उसने अगले दिन से ही अपने इस काम को शुरू कर दिया था। उसने महिलाओं को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया, और जो भी महिला उसके पास अपनी दुख दर्द लेकर आती, किसी का पति उसके साथ नहीं था, किसी का पति किसी और लड़की के जाल में फंसा हुआ था, ये सब महिलाएं दिक्कतें लेकर उसके पास जा रही थी, लेकिन यहाँ जा तो रही थी पर वो वापस नहीं आ रही थी। अब इसका भी एक कारण था। अब यहाँ जितने भी कांड किए वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये काम क्या करता था उसका एग्जाम्पल हम किसी और से नहीं बल्कि कमला देवी से ही समझेंगे। जी हाँ, 24 अप्रैल 1997 की रात होते होते कमला देवी अपने घर से बाहर निकली, उसने रिक्शा पकड़ी और सीधा यहाँ रिक्शा वाले को चलने के लिए कहा, और वो खुद रास्ता बताए जा रही थी। बीच में आकर रिक्शा वाले ने पूछा कि मैडम जाना कहाँ है, तो यहाँ कमला देवी ने उसे कहा कि मुझे दत्तुक के घर छोड़ दो, यानी कि अहमद के घर छोड़ दो। अब ये चीज़ सुनते ही वो रिक्शा वाला भी हैरान कि इतनी रात को ये महिला, यानी कि 21 साल की लड़की ही तो है, ये इतनी रात को दत्तुक के घर क्यों जा रही है। खैर, यहाँ जैसे ही उस रिक्शा वाले ने कमला से पूछा कि आप इतनी रात को क्यों जा रहे हो, तो कमला ने उसे डांट दिया कि तुम अपने काम से काम रखो, जितना कह रही हूँ उतना करो, तुम मुझे तुरंत उसके घर पर ले जाओ। रिक्शा वाले ने रिक्शा के पैडल मारे, वो दत्तुक के घर पहुँच चुका था। कमला देवी वहाँ से उतरी और सीधा अब दत्तुक के घर जा चुकी थी, लेकिन कभी
वो उस घर से बाहर वापस जिंदा निकली ही नहीं। तो हुआ यह था, जैसे ही कमला देवी उस घर के अंदर घुसी, ददुक अपना तामझाम लेकर पूरा सेट करके वहां बैठा हुआ था। असल में यहां कमला की मंगनी हो चुकी थी और उसका जो मंगेतर था उसकी किसी बात पर कमला के साथ लड़ाई हो गई और वो अब उससे शादी करने के लिए मना कर रहा था। अब एक लड़की का घर टूट रहा है, एक लड़की की मंगनी टूट रही है, लड़की तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर जाएगी। अब यहां कमला देवी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो अपनी इसी परेशानी को लेकर इस तांत्रिक यानी कि अहमद के पास पहुंची थी और उससे पूछने लगी कि क्या मेरा मंगेतर वापस मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मुझे क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। उसने उपाय के लिए कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी यहाँ एक पूजा करवाता हूँ और उस पूजा के बाद तुम्हारा मंगेतर 100% तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाएगा। अब ये चीज सुनते ही कमला बहुत ज्यादा खुश हो गई। अहमद ने सारा तामझाम अपना पैक किया और कमला को अपने साथ ले लिया। वो अपने घर के पिछले दरवाजे से होते हुए, घर के पीछे जो खेत बने हुए थे उन खेतों के बीच से होते हुए एक गन्ने के खेत में कमला को ले गया। वहाँ ले जाते ही कमला के हाथ में उसने और कुछ नहीं बल्कि एक कस्सी यानी कि फावड़ा सौंप दिया और कहा कि इस खेत के जो बीच में जगह बताई उसने और कहा कि इस खेत में अब तुम एक गड्ढा खोदो। कमला खुद यहाँ कस्सी लेकर गड्ढा खोदे जा रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि असल में बाबा यानी कि फर्जी बाबा भी हम इसे कह सकते हैं, ये खड्डा उसे क्यों खुदवा रहा है, उसने एक बार पूछा भी नहीं। लेकिन जैसे यहाँ खड्डा खुद गया, वो गहरा हो चुका था तकरीबन 4 या 4.5 फीट का। अब यहाँ अहमद ने कमला से कहा कि तुम इस गड्ढे के अंदर खड़ी हो जाओ। ये चीज़ जानते ही कमला को थोड़ा अजीब लगा, उसने बाबा से पूछा कि बाबा ये सब क्यों, मैं क्यों जाकर अंदर खड़ी हूँ। तो यहाँ अहमद ने उसे कहा कि ये सब कुछ पूजा का ही हिस्सा है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत ही अचूक टोटका है और वो होते ही तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अब ये चीज़ सुनते ही कमला ने बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे के अंदर अपने पैर रख दिए और वो जाकर अंदर खड़ी हो चुकी थी। अब खड़ी होते ही यहाँ आसपास जो मिट्टी उसके थी जो किनारे पर पड़ी हुई थी उसको तो पहले ही खुद से नहीं उसने अपने हाथों से ही अंदर की तरफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ ऐसा करने के लिए अहमद ने उसे कहा था। जी हाँ, वो बार बार उसे बोल रहा था कि तुम्हारे हाथों से जितना हो सके उतनी मिट्टी को तुम अपने इस गड्ढे के अंदर भर लो, तुम्हारे पैर जो है वो मिट्टी से ढक जाने चाहिए। अब ये चीज़ सुनते ही उसने मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू किया और जो बाकी बची हुई मिट्टी थी जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच पा रहे थे उसको पूरा करने के लिए अहमद ने वही कस्सी उठाई जिससे पहले कमला वो गड्ढा खोद रही थी, उस कस्सी से बाकी की मिट्टी को भी उस गड्ढे के अंदर भरना शुरू कर दिया। ये मिट्टी तकरीबन भरते भरते कमला के छाती तक आ चुकी थी। अब उसके हाथ और पैर जो थे वो नीचे मिट्टी में ही फंस चुके थे, वो हिल डुल नहीं सकती थी, सिर्फ उसकी गर्दन ही आगे पीछे हो रही थी। अब इसी पॉइंट के आने का ही तो इंतजार कर रहा था अहमद सुराज जी। जी हाँ, जैसे ही वो मिट्टी उसके गर्दन तक आई, सबसे पहले अहमद ने उस मिट्टी के चारों तरफ कूद कूद कर उसको अच्छे से जमा दिया ताकि वो बिल्कुल फिट हो जाए और ये महिला चाहकर भी इस मिट्टी से अपने हाथ या पैरों को बाहर ना निकाल पाए। मिट्टी को अच्छी तरह ठोकने के बाद अहमद ने अपने ही तामझाम में रखे हुए एक तार को निकाला और इस तार को कुछ इस तरह से पकड़ते हुए वो कमला की गर्दन के पास गया और गर्दन के चारों ओर वो तार लपेट दिया। और तार लपेटते ही यहाँ उसने कमला से कहा कि तुम्हारा मंगेतर तो शायद तुम्हारे पास ना आ पाए, लेकिन तुम अभी बहुत जल्द ऊपर जाने वाली हो। और ये कहते ही इससे पहले कि कमला कुछ कर पाती या फिर चिल्ला पाती या फिर बोल पाती, उसने वो तार खींच दिया। यहाँ कमला का जो दम था वो घुटने लगा था, उसका गला यहाँ पूरी तरह से दब चुका था। कमला ने देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में तड़पते हुए अहमद सुराज जी के सामने दम तोड़ दिया। कमला की यहाँ जान लेने के बाद अहमद नहीं रुका, उसने वो जो गड्ढा अभी कूद कूद कर पूरा ठोक ठोक कर अच्छे से टाइट किया था वो गड्ढा यहाँ वापस उसने खोदना शुरू किया। उसने कस्सी उठाई और वापस यहाँ मरी हुई कमला के चारों ओर से मिट्टी को हटाना शुरू किया। बार बार कस्सी खोद खोद कर वो मिट्टी को हटाया जा रहा था और जब अच्छी खासी मिट्टी उसने बाहर निकाल ली, उसके बाद उसने कमला की लाश को भी पकड़ कर बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसे ज़मीन पर लेटाया और यहाँ कमला के सारे कपड़े भी निकाल दिए। कपड़े निकालने के बाद उसने कमला के मुँह को खोला और उसके अंदर से जितना भी थूक जमा हुआ था वो उसने उसके मुँह को थोड़ा टेढ़ा करके बाहर निकालना चाहा और हद तो तब हो गई उसने जब दोनों उंगलियों को कमला के मुंह में अंदर डाला और जितना भी थूक उसके मुंह में जमा हुआ था उसको बाहर एक छोटी सी डब्बी में इकट्ठा करना शुरू किया। जब डब्बी उसके थूक से भर चुकी थी उसने डब्बी को वापस बंद किया, अपने झोले झपटे में उस डब्बी को रखा और वापस अब उसको कमला की लाश को ठिकाने लगाना था। जो गड्ढा अभी अभी उसने खोदा था उसके अंदर से मिट्टी निकाली थी वो उस गड्ढे में उतरा और उस गड्ढे को और ज़्यादा गहरा करने लग गया। वो काफ़ी देर तक यहाँ उस गड्ढे को खोदता रहा और जब उसने देखा कि ये गड्ढा तकरीबन 6 फुट गहरा हो चुका है, अब उसको लगा कि यहाँ काम बन जाएगा।
और जैसे ही 6 फुट गहरा हुआ वो खुद गड्ढे से बाहर निकला। कमैला की लाश जो बिल्कुल नग्न अवस्था में अभी तक इस गड्ढे के साइड में पड़ी हुई थी, उसने कमैला की लाश को उठाया और सीधा यहाँ उस गड्ढे के अंदर खड़ा कर दिया। खड़ा करते ही यहाँ जो मिट्टी अभी बाहर पड़ी हुई थी उस मिट्टी को उठा उठा कर उसने सीधा उस कस्सी से गड्ढे के अंदर भरना शुरू कर दिया। गड्ढे के अंदर भरते ही आपको पता है कि एक तो पहले ही कमैला उस गड्ढे के अंदर गई है और ऊपर से वो मिट्टी इतनी टाइट हम भर नहीं सकते जितना प्रकृति खुद अपने हिसाब से मिट्टी को टाइटली किसी भी चीज़ में फिल करती है। अब वो जो मिट्टी यहाँ बची हुई थी वो भी उसने उस गड्ढे के ऊपर ही थोड़ी थोप दी और थोपने के बाद उसके ऊपर कूद कूद कर उसे अच्छे से जमाने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी वो मिट्टी नरम ही थी। उसके अंदर पैर भी चल सकता था, उसके अंदर अगर हम उंगली भी चलाते तो उंगली भी उसके अंदर जा सकती थी। उस लाश को यहाँ दफनाने के बाद अहमद सुराज जी ने वापस अपना झोला झपटा उठाया और वापस अपने घर जा चुका था। घर जाते ही उसने अपने सारा तामझाम लगाया, वो जो धुआं वगैरह करते हैं, राख वगैरह करते हैं, सारे तांत्रिक एक जैसे ही होते हैं, अपने आप को दिखावा करने के लिए, अपने आप का जलवा दिखाने के लिए वो सारा तामझाम रचते हैं, पूरा ड्रामा रचते हैं और तब वो अपना झाड़फूंक स्टार्ट करते हैं। वही उसने अपना झाड़फूंक वाला ड्रामा सेट किया पूरा और उसके बाद वो डब्बी निकाली जिसके अंदर वो थूक अभी अभी कमैला का लेकर आया था और उस डब्बी में से सारा थूक निकाल कर वो पी चुका था। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये जो डब्बी उसने खोली थी ये डब्बी एक या दो बार नहीं बल्कि 41 बार पहले भी खुल चुकी थी और अब की बार जो खोली थी उसने वो 42वीं बार थी। उसने 42वीं बार किसी महिला का थूक पिया था, मतलब कि ये जो कमैला देवी नाम की जो उसकी शिकार बनी थी वो उसकी 42वीं शिकार थी। इससे पहले वो 41 और लड़कियों और महिलाओं को इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से ठिकाने लगा चुका था उसी गन्ने के खेत में। 24 अप्रैल की रात यहाँ बीत चुकी थी। अहमद सुराज जी आम दिनों की तरह सुबह सुबह 25 तारीख को उठा। उसको कुछ अबनॉर्मल नहीं लगा, उसको कुछ अजीब नहीं लगा, जबकि पिछली रात वो कमैला देवी का मर्डर करके आया था। लेकिन अजीब तो तब लगता ना जब वो पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हो। वो तो पिछले 11 सालों से यानी कि 1986 से लेकर 1997 तक 42 बार पहले ये काम कर चुका था, उसको अजीब क्या ही लगना। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही कमैला देवी गायब हुई तो यहाँ किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि वो क्यों गायब हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अहमद सुराज जी के पास जो भी जाता था, मतलब कि कोई भी विक्टिम उसका जाता था, तो पहले यहाँ अहमद उसको कह देता था, मतलब कि किसी भी महिला को वो कह देता था कि तुम्हारा जो टोटका है, जो तुम्हारा उपाय मुझे करना पड़ेगा वो रात के टाइम पर ही हो सकता है, क्योंकि मेरी जो शक्तियाँ हैं वो रात के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और इसलिए तुमको रात के टाइम पर मेरे पास आना पड़ेगा। अब कोई लड़की या फिर कोई महिला जो अपने घर से परेशान हो, ग्रह कलेश से परेशान हो, अपने पति से परेशान हो, उसका पति कहीं और चक्कर काट रहा है या फिर कुछ भी दिक्कतें हों, तो ऑब्वियसली वो मरती क्या ना करती। यहाँ उन महिलाओं को एकमात्र उपाय दिख रहा था अहमद सुराज जी उर्फ दत्तुक। तो ये अहमद उन लड़कियों को समझा देता था कि तुमको रात को आना है और स्पेशली यहाँ पर किसी को भी बिना बताए आना है। अगर घर में तुमने किसी को भी बताया कि तुम कहाँ जा रही हो, किस लिए जा रही हो, कब तक आओगी, तो ये उपाय जो मैं करूँगा वो सफल नहीं हो पाएगा। अब डरती डरती महिला किसी को नहीं बताती अपने घर के अंदर और वो रात को चुपके से अपने घर से बाहर निकलती, ऐसे ही रिक्शा वगैरह पकड़ती, रिक्शा वगैरह से सीधा उस दत्तुक के घर पहुँच जाती। 42 महिलाएँ इस तरह से इस गाँव से गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि वो आखिर गई कहाँ पर। शक किसके ऊपर करते? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो महिलाएं बिना बताए ही अपने घर से गायब हो रही थी। रात को वो सही सलामत उनके घर वाले उसको देखते और सुबह वो गायब मिलती। पूछताछ करते कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। पुलिस में जाते, पुलिस वाले भी क्या करते, भाई बताओ कहाँ गई है। उस टाइम पर ये फ़ोन वगैरह की लोकेशंस भी उस टाइम पर ट्रेस नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर भांडा फूट गया 27 अप्रैल 1997 के दिन। जी हाँ, 27 अप्रैल 1997 के दिन सुबह सुबह वो जो गन्ने का खेत जिसने बो रखा था वो किसान उठा अपने घर से और उसने अपने कुछ पशुओं को अपने साथ लिया और वो सीधा अपने गन्ने के खेत में उन पशुओं को चराने के लिए आ गया। अब वो पशु तो वहाँ आराम से चर रहे थे, लेकिन यहाँ तभी उस किसान का पैर उस पहाड़ के ऊपर गया, उस मिट्टी के पहाड़ के ऊपर गया जो कि हाल ही में यहाँ उसके खेत में बना हुआ था। जी हाँ, जैसे ही उसका पैर उस पहाड़ पर लगा तो वो झटका खाकर नीचे गिरने ही वाला था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि ये क्या बला आ गई है यहाँ पर, ये नई नई मिट्टी यहाँ किसने खोदी है। तो उसने तुरंत उस मिट्टी को थोड़ा सा हटा कर देखना चाहा और जैसे ही उसने हटा कर देखा उसको ऊपर एक महिला के बाल उस मिट्टी में फंसे हुए दिखाई दिए। वो बहुत ज़्यादा डर गया, वो सीधा वहाँ से भागा और अपने गाँव के जाकर पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत करी। गाँव के पुलिस तुरंत
यहाँ मौके पर पहुंच चुकी थी और साथ ही यहाँ पर उन्होंने और किसी को नहीं बल्कि दत्तुक को बुलाया। जी हाँ, दत्तुक इतना वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो चुका था, यानी कि अहमद सिराज जी के ऊपर लोग इतना विश्वास कर रहे थे कि अगर कोई लाश मिलती या फिर कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस के साथ वो लोग उसको भी बुला रहे थे। पुलिस के साथ साथ यहाँ दत्तुक यानी कि अहमद सिराज जी भी मौके पर पहुँचा और पुलिस की मौजूदगी में उस गड्ढे को खोदा गया और यहाँ पर कमैला देवी की यानी कि 21 साल की उस लड़की की लाश को उस गड्ढे से बाहर निकाला गया। अब बाहर निकालते ही लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये महिला तो अभी तक 3-4 दिन तक पहले तो इस गाँव में ही घूम रही थी, अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रही थी, इसकी तो कोई परेशानी हमें दिख नहीं रही थी, इसकी हाल ही में मंगनी हुई थी, इसकी तो जल्दी शादी होने वाली थी और अब इसके साथ ये कांड कौन कर गया। तुरंत यहाँ पुलिस कमैला देवी के घर पर पहुंची और उनके परिवार वालों से बात करनी चाहिए कि आखिर कमैला के साथ क्या हुआ है। उनके घर वाले तो पहले ही परेशान थे कि 3-4 दिन पहले हमने उसको लास्ट बार देखा था और रात को पता नहीं एकदम से वो गायब हो गई, हमें बताकर भी नहीं गई कि वो कहाँ गई है और सीधा पुलिस एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर चुकी थी। पुलिस इस केस में जांच कर ही रही थी कि कुछ ही घंटों बाद यानी कि 27 अप्रैल 1997 के दिन ही पुलिस के पास एक रिक्शा चालक पहुंचा। जी हाँ, और कोई रिक्शा वाला नहीं बल्कि वही रिक्शा वाला जो कमैला को उठाकर उसके घर से दत्तुक के घर पर छोड़ कर आया था। और जैसे ही वो रिक्शा वाला वहाँ पहुँचा उसने पुलिस वालों से कहा कि जनाब मुझे आपको कुछ बताना है कमैला देवी के बारे में। पुलिस वालों ने कहा ठीक है बताओ क्या बीमारी है। तो उसने समझाना शुरू किया कि रात के टाइम पर 24 अप्रैल के दिन मुझे ये कमैला देवी मिली थी और इसने मुझसे कहा था कि मुझे लेकर चलो। मैंने उसे अपनी रिक्शा में बैठाया, मैंने उसे रास्ता भी पूछा, वो धीरे धीरे रास्ता बताए जा रही थी और एंड में आकर उसने कहा कि मुझे दत्तुक के घर छोड़ दो, दत्तुक यानी कि अहमद के घर छोड़ दो। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो किसी को भी उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, रिक्शा वाले की बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दत्तुक यानी कि अहमद अपने गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी था, उसके ऊपर तो कोई उंगली कर ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ रिक्शा वाले के कहने पर पुलिस वालों ने उसकी बात मान भी ली कि हो सकता है कमैला देवी रात के टाइम पर दत्तुक के घर गई हो, कुछ दिक्कत आ गई हो उसको और उसके बाद में ही उसके साथ कोई कांड हो गया हो। पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, पुलिस वालों ने एक टीम बनाई और उस टीम के साथ वो दत्तुक के घर पर पहुंचे और जाकर बात करने लगे कि बाऊजी हमारे पास एक रिक्शा वाला आया था, आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था कि कमैला देवी रात के टाइम पर आपके पास आई थी, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है बट फिर भी हम तो जस्ट पूछताछ करने आए हैं, हम जस्ट फॉर्मेलिटी करने आए हैं, हमें पता है कि आप बेकसूर हो, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। ऐसे ऐसे ड्रामे यहाँ पर पुलिस वाले वो उस दत्तुक के आगे कर रहे थे क्योंकि पुलिस वालों की खुद यहाँ नहीं चल रही थी उसके आगे। दत्तुक यहाँ अपने अपराधों को छुपाने के लिए सीधे तौर पर उस चीज को इनकार करने लगा कि नहीं नहीं मेरे पास ऐसी कुछ नहीं आई, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले वहां से वापस खाली हाथ लौट आते हैं और उन्होंने तुरंत उस रिक्शा वाले को दोबारा बुलाया और पूछा कि तुम ही थे अंतिम बार जिसने कमैला देवी को जिंदा देखा था, मतलब हो तो तुम भी सकते हो जिसने कमैला देवी का मर्डर किया हो। रिक्शा वाला कह रहा है कि बाऊजी मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, मैं तो खुद यहां आपके सामने आया हूं बताने के लिए और आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे हो। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि पुलिस को मजबूरन उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा और एक बार फिर से यहाँ पुलिस सख्ताई के साथ अहमद सिराज जी के घर पर छापा मारने के लिए तैयार थी। 29 अप्रैल 1997 के दिन पुलिस सीधा दत्तुक के घर गई और दत्तुक का जाकर दरवाजा खटखटाया, दत्तुक ने दरवाजा खोला। उसी घर में यहाँ दत्तुक की तीन पत्नियां भी मौजूद थी, सोचकर देखिए यहाँ वो तीनों के साथ तो पहले ही रह रहा था। खैर यहाँ पर उन तीनों पत्नियों के सामने दत्तुक को झप लिया गया और झपते ही पुलिस स्टेशन लेकर आया गया, सामने बैठाया गया और पूछने लगे कि बाऊजी बताओ अब आपने क्या किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो रिक्शा वाला बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि अंतिम बार कमैला देवी आपके घर में जाती हुई देखी गई थी, जब उसके साथ थोड़ी सख्ताई की गई तो यहाँ दत्तुक यानी कि अहमद टूट चुका था। अहमद ने अपनी सारी सच्चाई अब पुलिस वालों के सामने रखी और कहा कि ये तो एक मौका था जब मैं फंस गया, मैं तो ये काम पिछले 11 सालों से करता आ रहा हूँ और अब तक मैंने टोटल 42 लड़कियों और महिलाओं के थूक को पिया है इसी तरह से मार मार कर। जब पुलिस वालों ने बात सुनी तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसके ऊपर हम इतना विश्वास करते आ रहे थे, जिसके ऊपर पूरा गांव इतना विश्वास कर रहा था, ये बाबा तो ऐसा निकला खुद को अमर करने के लिए वो क्या कुछ कर रहा था। दत्तुक ने यहाँ पूरी कहानी उस रात की बतानी शुरू करी। जी हाँ, उसने बताया कि जैसे ही कमैला देवी उसके पास पहुंची तो अपने प्लान के तहत उसने उसको खेत में ले जाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ कमैला देवी खेत में जाने से भी थोड़ा डर रही थी तो यहाँ कमैला को कम्फर्ट करवाने के लिए
दत्तुक ने अपनी एक पत्नी को साथ में लिया और कहा कि चिंता मत करो, मेरी पत्नी भी तुम्हारे साथ जाएगी और जो भी कोई उपाय होगा मेरी पत्नी की मौजूदगी में होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अब क्योंकि यहाँ दत्तुक की पत्नी भी साथ में जा रही थी तो यहाँ कमला देवी को विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी जा रही है तो ये कुछ गलत कर नहीं सकता। तीनों लोग यहाँ अपने घर से बाहर निकले और पीछे के रास्ते होते हुए उसी खेत में गए। दत्तुक की पत्नी यहाँ साइड में बैठी हुई थी और सोच कर देखिए आप, यहाँ एक महिला के सामने ही दूसरी लड़की का मर्डर कर दिया जाता है और किसी के द्वारा नहीं बल्कि उस महिला के पति के द्वारा ही। हद तो तब हो गई जब यहाँ कमला देवी का जो गला घोट रहा था उस टाइम पर कमला देवी और किसी को नहीं बल्कि अहमद की पत्नी को ही देख रही थी। इसके अलावा यहाँ दत्तुक ने बताया कि जनाब अगर आप उस खेत को अच्छे से खोदेंगे तो आपको वहाँ 41 और लड़कियों के कंकाल मिलेंगे। कुछ एक तो हो सकता है गायब भी हो गए हों क्योंकि मैं कांड पिछले 11 सालों से करता रहा हूँ और हो सकता है आपको अब तक कुछ ना भी मिले, किसी के अवशेष ना भी मिले। उसके बयानों के आधार पर पुलिस वालों ने उस खेत में जो फसल खड़ी थी उस फसलों को सारे को उठाकर बाहर फेंका और सीधा उस खेत की खुदाई शुरू की गई और जैसा कि उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही 42 अलग अलग लड़कियों के निशान या फिर अवशेष हम कह सकते हैं वो यहाँ पर इस खेत से निकाले जा चुके थे। लेकिन यहाँ पुलिस वाले एक चीज़ देखकर बहुत हैरान थे और वो ये कि जितने भी सिर यहाँ पर पुलिस वालों को मिलते जा रहे थे, जितने भी लाश यहाँ पर पुलिस वालों को मिल रही थी वो सभी एक पोजीशन में थी और उनका जो फेस था वो सारों का एक ही साइड था। ये चीज़ देखते ही पुलिस वाले भी हैरान कि ये कैसे हो सकता है। पुलिस वाले अब फिर से दत्तुक के पास गए और पूछा कि बाऊजी इधर आ और ये बता कि ये जो लाशें मिली हैं इन सभी की एक ही पोजीशन है और इन सभी का जो चेहरा है वो एक ही तरफ है, ये सब किस लिए है। तो उसने यहाँ पुलिस को बताया कि जनाब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी का चेहरा मेरे घर की तरफ मैंने करके इनको दफनाया है। पुलिस वाले पूछने लगे कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि जनाब मेरे को जब सपना आया था मेरे बाप का तो मेरे बाप ने ये कहा था कि 70 लड़कियों का थूक पीना है और मेरे पास अब कोई चारा तो था नहीं, कोई थूक ऐसे तो देगा नहीं, तो मुझे मजबूरन मारना पड़ा और साथ ही यहाँ पर मेरे बाप ने सपने में ये भी कहा था कि अगर मैं मार कर उन्हें इस तरीके से दफनाऊं कि उनका चेहरा मैं अपने घर की तरफ रखूं, इससे होगा ये कि जब उनकी जो शक्तियां होंगी, उनकी आत्मा की जो शक्तियां होंगी वो मेरे घर की तरफ ही देखती रहेंगी और इससे मैं और ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। सोच कर देखिए यहाँ किस टाइप के लोग इस दुनिया में बसे हुए हैं जो इस तरीके से 42 महिलाओं को मार कर उनका चेहरा अपनी तरफ करके उन्हें खड़ा करके दफना रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अमर हो जाए, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। हो गया पावरफुल, लेकिन मेरे ख्याल से 42 तो छोड़िए, इसके ऊपर शायद एक आत्मा ने भी अपना असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप इसका शरीर देखेंगे यानी कि अहमद सुराज जी का शरीर देखेंगे तो मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि इससे ख़त्म शरीर मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। खैर यहाँ पर 42 के 42 लाश पुलिस को मिल चुकी थी और अब एकदम से ही ये अहमद सुराज जी यानी कि दत्तुक पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनकर सामने आया। पुलिस ने यहाँ पर उसके ऊपर ये भी शक किया कि हो सकता है क्योंकि यहाँ सारे जो लाश मिली थी वो सारी नग्न अवस्था में मिली थी तो हो सकता है उसने इन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना को भी अंजाम दिया हो। लेकिन इस बात पर तो ये दत्तुक यानी कि ये सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम तांत्रिक बाबा ये भड़क गया। उसने कहा नहीं नहीं बाऊजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी पहले ही 3-3 बीवियाँ हैं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ कपड़े उनके इसलिए निकालता था क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम बिना कपड़े के किसी लाश को दफनाएंगे तो वो जल्दी गल जाएगी, उसका कंकाल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो इस दुनिया से जल्दी गायब हो जाएगी, इसलिए मैं उनके कपड़े निकालता था। अब ये चीज़ पुलिस वालों को सही भी लगी कि हो सकता है ना भी किया हो। और दूसरा, उन्होंने कमला देवी के शरीर का पोस्टमार्टम जब करवाया तो उसके साथ कोई बलात्कार जैसी घटना होने की पुष्टि भी यहाँ उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में नहीं हुई। उसमें सिर्फ यही लिखा था कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, उसको स्ट्रैंगल किया गया है डेथ के लिए। जो 42 लाशें यहाँ पुलिस को मिली उनमें 11 साल की बच्चियाँ भी शामिल थी और 30 साल की महिलाएँ भी शामिल थी। सोच कर देखिए यहाँ इस अहमद सुराज जी ने किसी को नहीं बख्शा। 42 के 42 कत्लों के आरोप यहाँ अहमद सुराज जी पर कोर्ट में प्रूव हो चुके थे और साथ ही यहाँ पर उसके बयानों के आधार पर ही वो जो तीसरी पत्नी उस दिन कमला के साथ भी उसका साथ देने के लिए खेत में गई थी तो उसके ऊपर भी यहाँ हत्या के चार्जेस लगे। साथ ही यहाँ पर तुरंत कोर्ट ने पहले ही ट्रायल में अहमद सुराज जी को मौत की सज़ा सुना दी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पहले यहाँ इंडोनेशिया में या फिर पूरी दुनिया में ही वो गोली से किसी को मौत की सज़ा देने वाला प्रावधान ख़त्म किया जा चुका था, लेकिन ये एक ऐसा
चिंगपोंग था जिसके लिए फिर से कानून को बदलना पड़ा और इसके लिए वो गोली वाली सजा फिर से ईजाद की गई। जी हाँ, पहली बार था यहाँ इंडोनेशिया में जब किसी के लिए कानून बदला गया हो और इसको मौत की सजा देने के लिए फायरिंग स्क्वाड को बुलाया गया और फायरिंग स्क्वाड ने तुरंत मौत की सजा अंजाम देने के लिए इसके ऊपर गोलियां चलाकर इसे यहाँ से निपटा दिया। चलिए, तांत्रिक बाबा तो अपने तंत्र मंत्र से ऊपर पहुँच चुका था, लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ यही नहीं है, यहाँ इस तरीके के अहमद सुराज जी बहुत बहुत भरे पड़े हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं और इनफैक्ट कि और किसी का तो क्या ही बताऊं, मुझे खुद इतने यहाँ प्रपोजल्स आते हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के लिए कि आप इस बाबा की प्रमोशन कर दो, उस बाबा की प्रमोशन कर दो, इतने भर भर के पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, मुझे पता है जो चीज़ गलत है वो गलत है। बेशक मैं इस चीज़ को खुद रोक नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, कम से कम वो तो इन चीज़ों पर विश्वास ना करें। ये बाबा लोग कहते हैं कि गड़ा धन निकालें, रातों रात अमीर हो जाएं, कोई भी समस्या हो उससे छुटकारा लें, 7 घंटों में समाधान दे देंगे, गोल्ड मेडलिस्ट। अरे गोल्ड मेडलिस्ट तो मुझे ये बताओ कि पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमने इस तंत्र मंत्र की विद्या हासिल करी है जो सारे ही बाबा गोल्ड मेडल लेकर बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इन चीज़ों में कभी भी ना फंसें, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी लाइफ के लिए और ज़्यादा दिक्कतें ही पैदा करेंगी। अगर आप कोई परेशानी अपनी इनके पास लेकर जा रहे हैं तो ये 100% आपकी परेशानी को तो हल करेंगे ही नहीं, ये आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपको किसी ना किसी तरीके से बहला फुसला लेंगे, खासकर महिलाओं को जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी बातों में आ जाती हैं, और इनको इसी तरीके के तो जो अपने कस्टमर्स हैं वो चाहिए हैं, उनको बहला फुसला लेंगे, उनका फ़ायदा उठाएंगे, उनसे पैसे भी खाएंगे, उनको ब्लैकमेल भी करेंगे और उनका यौन उत्पीड़न करने में भी तो ये पीछे नहीं हटते। हो सकता है बहुत सारे जेन्युइन बाबा भी आपको मिल जाएं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई है, अपने आप में कोई होगा शायद, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितने भी मैंने आज तक पोस्टर्स देखे हैं किसी भी पब्लिक स्टेशन पर, आप उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे पेजेस भी हैं सोशल मीडिया पर। बदकिस्मती है ये हमारी सोशल मीडिया की कि बहुत थोड़े से पैसों के लिए इन तरीके के बाबाओं को प्रमोट कर देते हैं। उनको नहीं पता कि जितने वो पैसे तुमको दे रहा है वो उससे पता नहीं कितने लाखों वसूल भी लेगा, जो कस्टमर्स आपके ऑडियंस बनकर उनके पास जाएंगे वो उनसे कितने खाएगा भी। खैर, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये चीज़ें किसी को हर्ट भी करें, लेकिन नहीं, चुप रहना भी एक क्राइम ही है। अगर आप गलत के खिलाफ ना बोलकर चुप रहेंगे तो हो सकता है वो मैं क्राइम ही कर रहा हूँ कोई। मैं बोलूँगा, अगर आपको इस चीज़ में कोई बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको इन बाबाओं के बारे में क्या कहना है, उसके बारे में भी ज़रूर जिक्र करें। खैर, यहाँ पर अहमद सुराज जी की जो पत्नी थी, जो उसके साथ देने के लिए कमला देवी के मर्डर में साथ गई थी, उसको यहाँ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि यहाँ अहमद सुराज जी उर्फ दतुक, इंडोनेशिया का बहुत जाना माना, वो यहाँ गोलियां मार मार कर उसको टपका दिया गया। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में मुझे आपकी राय जरूर चाहिए है। क्या आप कभी इस तरह के बाबाओं के चक्रों में फंसे हैं? क्या आपने कभी तंत्र मंत्र में चक्रों में फंसकर अपनी ज़िंदगी को, जो पहले ही थोड़ी बहुत परेशान है, उसको और ज़्यादा परेशान बनाया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर अपने कोई ओपिनियंस मुझसे शेयर करने हैं या फिर मुझसे कोई सवाल करने हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं छोटी छोटी रील्स डालता हूँ इसी तरह के फैक्ट्स की, इसी तरह के स्टोरीज़ की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मोहम्मद सैफ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।